नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल वन डे एंड द एग्जाम चैनल पे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो यूपी टेट 2018 की सुनवाई होने वाली है, यानी कि आज 18 दिसंबर 2018 को, ठीक है। तो इसके विषय में हम आपको बताएंगे आज कोर्ट में क्या क्या होने जा रहा है, यानी कि क्या क्या होगा 3 बजे तक कोर्ट में क्या क्या सुनवाई करने वाला है जज। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और लगातार नए नए लेटेस्ट वीडियो पाते रहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज यूपी टेट 2018 की सुनवाई करने के लिए 2 बेंचों में आज सुनवाई होगी। जैसे पहले आप जानते हैं कि एक बेंच आपका इलाहाबाद बेंच है, वहाँ पर सुनवाई होगी। दूसरा जो बेंच आपका लखनऊ बेंच है, वहाँ पर सुनवाई होगी। और ये दोनों सुनवाई यूपी टेट 2018 की जो परीक्षा हुई थी 18 नवम्बर 2018 को, उससे संबंधित है, क्योंकि इसमें कई लोगों ने प्रश्न पर आपत्ति जताते हुए रिट दाखिल किया है, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं, आज फ्रेश सुनवाई होगी। आज फ्रेश सुनवाई जो है उसमें लिस्ट है 171, फ्रेश सुनवाई होगी। 171 संख्या है फ्रेश सुनवाई की। जो अगर आप देखेंगे तो इलाहाबाद जो होने वाली बेंच में, उसमें कोर्ट नंबर 4 में सुनवाई होगी, ठीक है। कोर्ट नंबर 4 में 2:30 बजे के बाद स्वाभाविक रूप से शुरू हो जाएगी सुनवाई इसकी। लेकिन 171 फ्रेश के बाद एडिशनल नंबर में 8वें नंबर पर आ रहा है, इसलिए हो सकता है कि सुनवाई थोड़ा आगे भी बढ़ जाए, क्योंकि 171 नंबर आप सभी को इंक्लूड करेंगे, एक साथ मेंशन करके इसकी सुनवाई ये लोग करेंगे, पहली बात, ठीक है। तो ये हो सकता है कि जल्दी हो जाए, लेकिन 171 रिट की सुनवाई करना एक दिन में या 1-2 घंटे में बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आप समझते हैं कि 5 बजे तक कोर्ट बंद हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा संभावनाएं कम ही जताई जा रही हैं। मेरे द्वारा हम अपनी ओपिनियन दे रहे हैं कि हमारे द्वारा जो सोच है कि हो सकता है कि आज भी थोड़ा सा विलम्ब हो जाए। अब हम नहीं चाहते कि इतना विलम्ब हो, क्योंकि बहुत सारे विलम्ब हो चुके हैं और अब सब्र नहीं होता कि इतने हम लोग वेट करें, क्योंकि 20 तारीख जो है इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, फार्म भरने की सहायक अध्यापक की, और इससे पहले निर्णय नहीं आता है। तो मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना कि अगर इंसाफ दीजिए, समय से दीजिए तो ठीक है, नहीं तो वो समय के बाद इंसाफ देना वो भी इंसाफ के बराबर ही होता है, ठीक है, उसमें इंसाफ नहीं कहा जा सकता। तो आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज इलाहाबाद में जो 2 बजे बेंच लगेगी, उसकी मैं आपको बराबर अपडेट देता रहूँगा, और फाइनल जो निर्णय आएगा मैं वही दूंगा, क्योंकि मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह फर्जी न्यूज़ नहीं डालना चाहता और न डालता हूँ। आप लोगों के लिए मैं गुमराह करने वाला न्यूज़ नहीं डालता, न डालूंगा। आप लोग अगर हमारे न्यूज़ पे, हमारे चैनल पर इस तरह की न्यूज़ पाते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट्स करके बता दिया करें, या हमारा जो नंबर होगा वहाँ से आप जाके फ़ोन करके हमें डायरेक्ट बता दीजिए कि सर आपने गलत न्यूज़ दिया है, ठीक है। मेरी ये जो होती योजना है कि मैं सभी को सही न्यूज़ दूँ, और ना हो तो ना दूँ, ठीक है। अगर सही न्यूज़ होती तभी देता हूँ। और रही दूसरे बेंच की बात, जो लखनऊ बेंच में है, लखनऊ बेंच में क्या है दोस्तों कि कल जो सुनवाई हुई थी 17 तारीख की, उसमें उन्होंने जज ने कहा था कि आज हमारे पास टाइम नहीं है, कल आपके लिए हम समय निकाल के सुनेंगे। वह जो है उन्होंने 3 बजे का समय दिया है, जो जस्टिस इरशाद अली की बेंच में चल रहा है, ठीक है। इरशाद अली की जो बेंच में चल रहा है यूपी टेट के, आज 3 बजे से वो भी सुनेंगे। ये बात पक्की है कि सुनवाई आज दोनों जगह हो जाएगी, लेकिन इलाहाबाद बेंच में काफ़ी ज़्यादा केस होने की वजह से 8वें नंबर एडिशनल की बात चलेगा, 8वें नंबर पर है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, लखनऊ के बेंच में भी आज कुछ न कुछ निर्णय आ जाएगा, और इलाहाबाद बेंच में भी समय निकाल के ये फैसला आएगा, ठीक है दोस्तों। अगर देखिए, हम आप सबसे अपडेट यही करना चाहते थे, और अभी हमारे साथ आप बने रहिएगा कंटिन्यू। जैसे ही 2-3-4 बजे तक कोई न्यूज़ आती है आप सभी को, मैं ज़रूर अपडेट कर दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, अगर लाइक नहीं किए हैं तो शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, अगर शेयर नहीं किए हैं तो।